Hello students, I am Arun Kumar Gaur. Today's topic is the Vereignung theorem. This is the theorem about the law of moment. As per the theorem, this moment of resultant of two forces about a point lying in the same plane is equal to the algebraic sum of moment of these two forces about the same point. मतलब क्या है इसका? Like दो forces हैं, this is P and this is Q. इनका जो resultant है this is R. अभी हमें एक point है हमारे पास में, like this is point O. This is point O. तो इस point के about जो resultant से का जो moment है, moment of R about point O जो है किसके बराबर है? Algebraic sum of moment of P about O and plus moment of Q about O. इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है. आज हम इस थ्योरम को ड्राइव करते हैं, प्रूव करेंगे इसको. दो फोर्सेस हैं पी एंड क्यू, इनका एक रिजल्टेंट फोर्स है, दिस इज आर. हम एक पॉइंट यहां पर हमारे पास में ओ, ठीक है. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो यहां पर इसको मीट करेगी. एंड इसको यहां पर मीट कर रहे हैं, ठीक है. और इसको यहां पर और इसको फाइनली पैरेललोग्राम बना दिया. दिस इज ए बी सी एंड डी, ये बनाया. अब एक रूल होता है कि जो मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल. मीन्स जैसे ये एक ट्राइंगल है ए ओ बी, इसका जो फोर्स ये है, मीन्स जो इसका एक जो साइड है ट्राइंगल का, उसका हम फोर्स मोमेंट निकालना है उस फोर्स का अबाउट द वर्टेक्स ऑफ दैट ट्राइंगल. देन क्या होगा कि जो मोमेंट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है. दिस इज मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. दिस इज द रूल. तो हम क्या लिखेंगे इसको? मोमेंट ऑफ ए बी अबाउट ओ
मोमेंट ऑफ पी लिख लेते हैं डायरेक्ट हम, मोमेंट ऑफ पी अबाउट ओ कितना होगा, टू इंटू एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी। सेम मोमेंट ऑफ क्यू, क्यू अबाउट पॉइंट ओ, मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट पॉइंट ओ। तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, टू इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी। दो इक्वेशन आ गए हमारे पास में, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। सेम ये वाला ट्रायंगल ए ओ डी, दिस इज नाउ मोमेंट ऑफ आर अबाउट ओ, ये क्या होगा, टू इंटू मेड ट्राइंगल ए ओ डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या देखते हैं कि देखिए ए ओ डी ये ट्राइंगल है, हम इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ डी है हमारे पास में, इसको लिख सकते हैं ए ओ सी प्लस ए सी डी, ट्राइंगल ए ओ सी प्लस ट्राइंगल ए सी डी, ओके। और ये पैरेललोग्राम है तो ट्राइंगल ए सी डी जो है वो इक्वल होगा ए बी डी के, तो फर्दर ट्राइंगल ए ओ सी प्लस ट्राइंगल ए सी डी के प्लेस पर ए बी डी, ओके। नाउ अब यहां देखो, ये ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इनका बेस सेम है, बेस सेम है तो ये जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी सेम होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू ए ओ बी, इसको अब हम पुट करेंगे इसमें, तो यहां पर क्या आ गया, फाइनली ट्राइंगल ए ओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी इक्वल टू ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी एंड ए बी डी के प्लेस पर ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, लिख सकते हैं ऐसा हम। नाउ दिस इज थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन से हमें क्या मिला कि ए ओ डी इक्वल टू ए ओ ए ओ सी प्लस ए ओ बी। अब हम इसका जो वैल्यू है थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ फोर्थ इक्वेशन इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या आएगा, अब मोमेंट ऑफ आर, मोमेंट ऑफ आर रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ओ क्या है, टू इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी, एओडी किसके बराबर है, इसके, तो टू इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल एओ सी प्लस ट्राइंगल एओ बी, ठीक है। दिस इज द वेरिंगन थ्योरम।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.